भारत के नए संसद भवन की गरिमाई चमक ने दुनिया के कई मुल्कों को चकाचौंध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शान से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन किया और सेंगोल की स्थापना की, उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी भारतीय संसद की जमकर तारीफ की है, लेकिन इसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। आखिर चीन ने इतनी जल्दी और सहजता से नई संसद की प्रशंसा क्यों की, ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत के नए संसद भवन को महान प्रतीक के तौर पर बताया है। संपादकीय में लिखा गया है, नया भवन भारतीय राजधानी को औपनिवेशिक युग के निशान से मुक्त कराता है और इसलिए महानता का प्रतीक है। अखबार ने अपने संपादकीय में कहा है कि चीन भारत की गरिमा बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने की इच्छा के साथ खड़ा है और चाहता है कि भारत विकास करे। अखबार लिखता है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान लगभग एक शताब्दी पहले बनी पुरानी संसद को संग्रहालय में बदला जाएगा। नए संसद भवन को मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य भारत की राजधानी को गुलामी की निशानियों से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के हवाले से अखबार ने लिखा है कि नई संसद महज एक इमारत नहीं है और ये आत्मनिर्भर भारत के उदय की गवाह बनेगी। नए संसद भवन की विशेषताओं का जिक्र करते हुए अखबार ने लिखा है, इस इमारत की कीमत लगभग 12 करोड़ डॉलर है और इसमें मोर कमल का फूल और बरगद के पेड़ जैसे राष्ट्रीय प्रतीक शामिल है। ये प्रतीक भारत के इतिहास और संस्कृति की मजबूत विशेषताओं को दिखाते हैं। ये भारत सरकार के वी औपनिवेशीकरण के लिए किए जा रहे उपायों का एक अहम हिस्सा है और ये एक महान प्रतीक बनेगा। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, हाल के वर्षों में मोदी सरकार ने उभरते हुए भारत की छवि पेश करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। भारत की छवि वी औपनिवेशीकरण को बढ़ावा और स्वतंत्रता पर जोर देती है। अखबार ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसे उपनिवेश बनाया गया और अब वो राष्ट्रीय आधुनिकीकरण का काम कर रहा है। चीन भारत की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने की इच्छा के साथ खड़ा है। अखबार लिखता है, 1968 में भारत सरकार ने नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने स्थित किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा दिया था। फिर 8 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के दिन इंडिया गेट के सामने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उससे पहले चीन ने नए संसद भवन की तारीफ करके दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने का पासा फेंकने का प्रयास किया है। संपादकीय में लिखा गया है, भारत को वास्तव में एक सभ्य देश के अपने अध्यात्म दर्शन और सांस्कृतिक इतिहास को मजबूती से प्रदर्शित करना चाहिए और पश्चिमी देशों की राजनीति के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि पश्चिम के पास अब सीधे तौर पर चीन और भारत को वश में करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे दोनों के बीच तनाव बढ़ाने का खेल खेलते हैं।